तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों फिर से आपके एक नए ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाए, ठीक है। और खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम एटीएम से पैसा निकालेंगे, जिसको निकालने नहीं आता है। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, आज आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे एटीएम से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। एंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। और मेरे साथ देखिए सुमित भाई है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पे, तो आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एटीएम मशीन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एटीएम को एटीएम मशीन में यहाँ पर डालने के बाद थोड़ा स्क्रीन पर आई यहाँ पर मतलब थोड़ा आप लोग इंतजार करिए, आप लोग भी इंतजार करिएगा। इंतजार करने के बाद यहाँ लिखा है भाषा चुनिए। अगर आप लोग इंग्लिश में निकालना चाहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में निकालना चाहते हैं तो हिंदी में, हम लोग इंग्लिश में टाइप कर दिए। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नंबर पर लिखा है कैश विदड्रॉल, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया रहा है, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000 और अदर भी दे रहा है, मतलब यहाँ पर अदर निकाल दीजिएगा। मान लीजिए मेरे को 1000 निकालना है तो यहाँ पर 1000 क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेविंग अकाउंट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपना पिन डाल दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहा है इंटर योर पिन, मैं पिन को डाल दे रहा हूँ। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिख रहा है ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस प्लीज वेट, मतलब थोड़ा इंतजार करिए। तो फायदे दोस्तों हमारे पास यहाँ 1000 रुपये निकल गया है, तो इसी तरह का पैसा निकलता है। और आप भी पहली बार पैसा निकालना चाहते हैं तो अपना वीडियो देखिए और पैसा निकालिए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस ब्लॉग को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको पैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी आपको ब्लॉग्स अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।